एक बार एक मटर की फली में 5 छोटे मटर रहते थे। वे सभी अलग अलग थे लेकिन फिर भी साथ रहते थे, क्योंकि मटर की फली अभी भी बंद थी। वे सूर्य की किरणों को सहन करने के लिए अभी बहुत छोटे थे। वे सारा दिन सोते रहते थे, लेकिन रात में वे एक दूसरे से बात करते थे और अपने आसपास संगीत सुना करते थे, खासकर चंद्रमा का संगीत। सुंदर चंद्रमा तारों से लिपटा हुआ मटरों के लिए सुंदर गीत गाता था। पूर्णिमा के समय वह मृदंग बजाता था। चंद्रमा द्वारा बजाए जाने वाले तेज मृदंग को सुनकर मटर जाग जाते थे, लेकिन चंद्रमा का संगीत पर हर मटर की अपनी प्रतिक्रिया थी। मुझे मृदंग की आवाज बहुत पसंद है, बूम बूम बूम। मुझे तो गिटार बहुत पसंद है, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, यह कितना सुखदायक है। मुझे तो वीणा बजाने का तरीका बहुत पसंद है, यह बहुत खूबसूरत है। आहा, इतना मधुर। ओह, यहाँ शांति क्यों नहीं है? संगीत को भूल जाओ, मुझे जितना हो सके उतना सोना पसंद है। चौथा मटर बहुत आलसी था। पांचवा और सबसे छोटा मटर अन्य 4 से बहुत अलग था। मुझे हर तरह का संगीत पसंद है, चाहे वो गिटार हो, मृदंग या फिर वीणा। उनमें से हर एक खास है, और जब मैं उनकी धुन सुनता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मटर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और अब उन्हें लगा कि उनकी फली सड़ रही है। वे सभी शिकायत कर रहे थे और एक दूसरे को हटा रहे थे। अचानक मटर की फली खुली और एक कठोर रोशनी आई, जिससे मटर बहुत नाराज हो गए। कुछ मिनटों के बाद जब वे सभी सूरज की रोशनी के साथ सहज हो गए, तो उन्होंने एक चर्चा शुरू कर दी। मुझे लगता है कि हमें बाहर जाने और दुनिया को देखने का मौका मिला है। क्या आप सच में इसे एक अच्छा विचार मानते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। हम संभावनाओं पर चर्चा करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं बाहर जाकर अलग अलग रंग देखना चाहता हूँ। मैं इस फली के बाहर जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। अहा, आप जो करना चाहते हैं वो करो, मैं तो बस सोना चाहता हूँ। चलो कोशिश करते हैं, हम लंबे समय से यहाँ हैं, हम बाहर की दुनिया को नहीं जानते हैं। उन्होंने अंत में इसे एक साहसिक कार्य के रूप में लिया और एक एक करके वे फली से नीचे खिसक गए। वे सभी मटर के ढेर पर उतरे। वाह, वो तो कितना सुंदर है। अरे देखो, हम जमीन से इतनी ऊंची एक शाखा पर बैठे हैं। जैसा कि वे नई दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, वे देख रहे थे कि एक लड़का उन्हें देख रहा है। आह, ये मटर मेरे गुलेल के लिए एकदम सही लगते हैं, मुझे उन्हें भी उठाना चाहिए। लड़के ने एक एक कर सभी को उठाया। पहला मटर आकाश में बहुत दूर उड़ा, दूसरे मटर तो उसे देख भी नहीं पाए। ओह, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर लड़के ने अपनी गुलेल के साथ दूसरा, तीसरा और चौथे मटर को एक एक करके दूर फेंका। मटर चीख रहे थे, जैसे वे जाने कहाँ उड़ रहे हो। फिर सबसे छोटा मटर उड़ा। वाह, मैं तितली की तरह बादलों में उड़ रहा हूँ। मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं महान जीवन जी सकूँ। सबसे छोटा मटर एक खिड़की पर उतरा। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसने देखा कि एक छोटी लड़की बिस्तर पर सो रही है। वे अस्वस्थ थी और लगातार खांसी कर रही थी। उसकी माँ उसे खाने के लिए कह रही थी, मेरी बेटी कुछ खाने की कोशिश करो, ये तुम्हें बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा।
अगर तुम नहीं खाओगी तो कैसे मजबूत और स्वस्थ बनोगी? मटर ने देखा कि माँ छोटी लड़की को खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की खाने के लिए बहुत बीमार थी। लड़की के लिए माँ बहुत चिंतित लग रही थी। रात में जब लड़की सो गई, तो मटर ने लड़की की माँ और उसके लिए प्रार्थना की, और वह उनके लिए बहुत दुखी भी हुआ। वह मदद करना चाहता था। देर रात मटर ने खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया। चंद्रमा की रोशनी के साथ मटर ने लड़की के लिए मृदंग के साथ एक गीत गाया। अरे वहाँ कौन है? मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ये मैं हूँ, मैं यहाँ खिड़की में हूँ। अरे क्या तुम बोल रहे हो? मैंने पहले कभी मटर बोलते हुए नहीं देखा। मैं गा भी सकता हूँ। मैं आपके लिए चंद्रमा के मृदंग के साथ एक गीत गा रहा था। क्या, चांद का मृदंग? मैंने तो इसे सुना नहीं। आपको एक विशेष मटर होना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई विशेष है और हर चीज में कुछ संगीत है। हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपके कहने का ये मतलब है कि मैं चांद का मृदंग सुन सकती हूँ? इस दुनिया में सब कुछ संभव है, यदि आप विश्वास करते हो। ओ हाँ, मुझे लगता है कि अब चंद्रमा के मृदंग को सुन सकती हूँ मैं। लेकिन एक चीज है जो मेरे लिए संभव नहीं है। वो क्या है? मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊंगी। ओह ऐसा मत कहो कि क्या होगा। अगर मैं एक मटर के अलावा कुछ और बन सकूं तो? तब आप फिर से बेहतर बन सकते हैं। लेकिन आप केवल एक मटर हैं। आप और क्या बन सकते हैं? खुद पर विश्वास रखें और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बन जाऊं, तो क्या आप मानेंगे कि आप ठीक हो सकते हो? हाँ ठीक है। सुबह जब लड़की जाग गई, तो उसे मटर के साथ बातचीत याद आई। वह खिड़की के पास मटर को तलाश रही थी, लेकिन वो तो वहाँ नहीं था। ये कितना सुंदर है। जैसा कि मटर ने कहा, क्या मैं ये नहीं मान सकती कि मैं ठीक हो सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो जाऊंगी। इसी बीच सबसे छोटा मटर उसे प्रेरित करना चाहता था। वह खिड़की के बाहर रहा और कुछ दिनों तक धूल में लिपटा रहा। बाद में जब सर्दी आ गई, तो धूल ने उसे बर्फ से बचने में मदद की। हर दिन वह खुद को अपने लक्ष्य की ओर धकेल रहा था। अगर मैं कुछ और दिनों तक अपनी इन परिस्थितियों से गुजरता रहा, तो मुझे लगता है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ और छोटी लड़की से भी अपना वादा निभा सकता हूँ। सबसे मजबूत मटर सर्दियों के दौरान अपनी इच्छा शक्ति से बच गया। मौसम बदल गया और छोटा मटर तो अब खिल गया। वह कुछ शाखाओं और सुंदर फूलों के एक जोड़े के साथ एक पौधे में बदल गया। एक दिन लड़की की माँ ने खिड़की के बाहर उस सुंदर मटर के पौधे को देखा। देखो मेरी बेटी, ये हमारी खिड़की पर एक मटर है। अरे वाह, इसने अपना वादा निभा लिया माँ। क्या, कैसा वादा? माँ ये मटर जो अब खिल चुका है और एक दूसरे रूप में तब्दील हो गया है। अब मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। अगर कोई मटर अपना जीवन बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं बदल सकती? हाँ हाँ मेरे बच्चे, बेशक आप जल्दी बेहतर होंगी। लड़की मटर के पौधे को देखकर मुस्कुराई। उसकी माँ ने उस पौधे को धन्यवाद दिया और हर दिन उसकी अच्छी देखभाल की। कुछ दिनों बाद छोटी लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई, क्योंकि वह खुद और मटर में विश्वास करती थी। पाइप पाइपर की कहानी। कई साल पहले जर्मनी में था एक छोटा सा नगर हैमलिन नामक। हैमलिन के लोग आपस में खुशी से और शांति से रहा करते थे। वहाँ की फसल भी अच्छी खासी थी और लोग तरक्की में थे। सुबह से शाम तक लोग गाने और मनोरंजन में मग्न रहते थे।
परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में एक बहुत बड़ी मुसीबत छा गई, चूहों की। सारा शहर हजारों चूहों से भर गया। घरों में, विश्रामालयों में, स्कूलों में, हर एक गली में, जहां देखो सिर्फ चूहे। लोगों को जल्द इस समस्या का हल निकालना था। शहर के नागरिक इन चूहों की वजह से बीमार पड़ने लगे। खाना पानी सब भ्रष्ट होने लगा। शहर के मेयर साहब ने कई बैठकों का प्रबंध भी किया इस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए। पहले सब ने सोचा कि बिल्लियां इन चूहों को भगा निकालेंगी, तो लोगों ने बिल्लियां लाई और हर जगह छोड़ दी। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चूहों की आबादी बहुत ही ज्यादा थी। सब लोग परेशान थे और मदद के लिए बेकरार। एक दिन एक अजनबी हैमलिन में आया। उसके पास थी एक बांसुरी। अजनबी पाइट पाइपर सीधा मेयर साहब के पास गया। अजनबी ने मेयर से बोला, जर्मनी के हर एक कोने में पता है कि हैमलिन के शहर में चूहों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं आप लोगों को इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, तो मेरा इनाम क्या होगा? एक क्षण के लिए तो मेयर हैरान रह गया कि अचानक से कोई अजनबी उनके दफ्तर में आकर बोल रहा है कि वह शहर के सारे चूहों को भगा देगा। अगर तुम ये सच में कर दोगे तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में, बोला मेयर। अजनबी ने रजामंदी में अपना सर हिलाया और बोला, एक दिन के अंदर अंदर हैमलिन में एक चूहा भी नहीं बचेगा, और हाँ, आप अपना वादा ना भूले। ऐसा कहकर पाइट पाइपर वहाँ से चला गया। मेयर पाइट पाइपर की ओर अपनी खिड़की से देखता रहा उसको शहर के बीचों बीच चलते हुए। फिर अचानक से पाइट पाइपर ने अपनी बांसुरी पर एक अनोखा धुन बजाना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी शोर शुरू हो गई। हजारों चूहे हर दिशा से आने लगे और पाइट पाइपर की अनोखी धुन का पीछा करने लगे। घरों से, दुकानों से, हर जगह से चूहे बाहर निकलकर इस धुन के पास आने लगे। हुआ ये था कि धुन की वजह से चूहे सम्मोहित हो गए। अजनबी समुन्दर की ओर चलने लगा और शहर के सारे चूहे उसके पीछे पीछे। काफी अनोखा दिशा था शहर के सारे लोगों को। हैमलिन के सड़कें इन चूहों की लहरों की वजह से काले नजर आने लगे। अजनबी अपनी बांसुरी बजाते बजाते सीधा समुन्दर के अंदर घुस गया और साथ साथ सारे चूहे भी। चूहे पानी की लहरों में पकड़े गए और सब के सब डूब गए। इस तरह पाइट पाइपर ने अपने वादे अनुसार हैमलिन को सारे चूहों से मुक्त कर दिया। अजनबी शहर वापस आया और मेयर के पास गया अपने 10,000 सोने के सिक्के लेने के लिए। मेयर और शहर के सारे लोग ये नजारा देखकर बहुत खुश हो गए। पर मेयर ने अपनी जुबान बदल डाली। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, पर एक दिन के काम के लिए 10,000 सिक्के कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हें केवल 500 सिक्के दूंगा। और बेवकूफ मेयर ने उसको अंत में एक भूटी कौड़ी भी नहीं दी। अजनबी ने मेयर की ओर गुस्से से देखा और कहा, अब मैं एक और धुन बजाऊंगा और आप इसके अंजाम से खुश नहीं रहोगे, देख लेना। सड़क के बीचों बीच जाकर उसने अपनी बांसुरी फिर से बाहर निकाली और बजाना शुरू किया। इस बार अजनबी ने कुछ अजीब सी धुन बजाई। हैमलिन के सारे बच्चे जो थे अचानक से अपना काम काज, खेलना कूदना बंद कर दिए। एक एक करके पाइट पाइपर के पीछे जाने लगे। अजनबी शहर से बाहर निकल गया और कहीं दूर पहाड़ों में गायब हो गया, और उसके साथ साथ हैमलिन के सारे बच्चे भी। बच्चों के माँ बाप रोने लगे, उस अजनबी ने हमारे बच्चों को कहाँ लिया है? शिकायत की सबों ने मेयर साहब के पास। मेयर असहायक था। उसको पता था कि उसने अजनबी को धोखा दिया है। अजनबी हैमलिन वापस तो आ गया, पर बच्चे नहीं। मेयर तुरंत उसके पास गया माफी की भीख मांगने के लिए। उसने बहुत विनती की बच्चों को वापस ले आने के लिए,
पर बिना कुछ कहे पाइट पाइपर बस मुड़कर वहां से चला गया। शहर के सारे लोग मेयर के दफ्तर के बाहर आ खड़े। सब ने उन्हीं की ओर उंगली उठाई। हमारे बच्चे कहाँ है? मेयर शर्मिंदा होकर बस चुपचाप खड़ा रहा। अब तुमको ही ढूंढना पड़ेगा, हमारे बच्चों को वापस ले आओ। मेयर शहर से भाग गया पहाड़ों की ओर। उसने सालों साल बिताए गायब हुए बच्चों को ढूंढते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा अपने दिए गए वादों को पूरा करें।